आप सब देख रहे हैं अर्ली पोस्ट और मैं हूँ नियति। अभी हम व्हाइट एंजल स्टूडियो में आए हुए हैं। यहाँ पर ये जो है ऑडिशंस करते हैं, लेते हैं ऑडिशंस, बहुत सारे बच्चों के भी लेते हैं, बड़ों के भी लेते हैं। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं ताकि इनसे हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो है ऑडिशन दे सकते हैं या बड़े दे सकते हैं, ताकि और लोगों को भी जो है बेनिफिट मिल सके इनसे। तो पहले तो सर आपका वेलकम है अर्ली पोस्ट में। सर आप ऑडिशंस लेते हो, तो ऑडिशंस में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि अगर कोई और बच्चा या बड़ा आपके ऑडिशंस में पार्ट लेना चाहे अगली बारी में तो वो जरूर ले सके। जी, मेरा नाम अमित शर्मा और वाइट एंड स्टूडियो की तरफ से हमने शो ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट मंथ होने जा रहा था तो फिर पोस्टपोन हो गया था हमारा शो, तो अभी ये 31st को होगा। तो इसका जो ऑडिशन है लास्ट वो कल लास्ट और फाइनल ऑडिशन है, उसके बाद कोई ऑडिशन होगा नहीं। ऑफलाइन ऑडिशन है जम्मू वालों के लिए, और जो कुछ जो थोड़ी दूर से हैं लोग, जम्मू से 3-4 घंटे दूर से हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑडिशन है, वो ऑनलाइन दे सकते हैं। हमारा नंबर है 6005297628 करके, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो वीडियो। तो 200 सिर्फ इसकी ऑडिशन फी है, उसके बाद कोई फी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ टोटली। तो रियलिटी शो जैसा हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ तो पोस्टपोन हो गया था, तो अभी इस हमारी कोशिश है कि इस बार हमें करना है। हम अंडर गाइडलाइंस से शो करेंगे, जितनी कैपेसिटी है क्या कहते हैं गैदरिंग की, तो उतनी ही रखने वाले हैं। सर शो का नाम क्या देने जा रहे हैं? शो का नाम है डांस चैंपियंस ऑफ जम्मू। तो इसके फिनाले के जज जो है वो है मुंबई से आ रहे हैं, वो रामबिस्ट, वो काफी फेम है उनका, बॉलीवुड में मूवी में भी आ चुके हैं, स्ट्रीट डांसर 3D, रेस 3, गली बॉय की मूवी में भी एक सॉन्ग में वो थे, वो काफी सारा फेम है उनके पास, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो लास्ट सीजन जो डांस पास का था उसमें वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी थे सलमान यूसुफ खान की टीम में, तो वो अभी आ रहे हैं 31st को, हमारे फिनाले के जज वही हैं, तो वही जजमेंट करेंगे। उसके बाद शो के बाद उनकी वर्कशॉप भी है, इसमें भी बच्चों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, उसकी फीस अलग से रहेगी, अच्छी उसमें सिखाएंगे वो स्पेशली। शो की जो फीस है इसकी कॉम्पिटिशन की वो है 200, उसके बाद कोई फीस नहीं, ऑडिशन फीस है खाली। तो ऑनलाइन ऑडिशन बाहर वालों के लिए, ऑफलाइन कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें? एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी 4 साल से लेकर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, 3 साल का भी अगर कुछ 3 साल के भी बच्चे अच्छे करते हैं, 2 साल के वो टैलेंटेड होते हैं, वो तो भगवान की कृपा है सब पे। तो कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे बड़ा कोई भी एज का आ सकता है, नो एज लिमिट कोई नहीं है। सर अभी तक कितने ऑडिशंस आप ले चुके हैं? अभी तक हमने लास्ट मंथ लिए थे, जब 28 को स्टार्ट किया था ना, 28 नवंबर को, तो सांबा में थे, उधमपुर में थे, फिर बाकी कुछ लोग बाहर से ऑनलाइन के लिए कर रहे थे, तो ज्यादा दूर से इसलिए हमने लास्ट ऑडिशन फिर जम्मू में रखा। तो अभी जगह दो ही जगह गए थे हमने, लास्ट ऑडिशन हमारा ये फाइनल। सर एरिया कौन कौन सा कवर हो गया इन सब के सिवाय भी कोई एरिया है या यही एरिया है? नहीं, उधमपुर से लोग आने वाले जो रह गए थे, रियासी से कुछ आएंगे, कटरा से कुछ आएंगे, हमने कटरा नहीं गए थे, रियासी नहीं गए थे, तो अब वहां से भी लोग आ रहे हैं, तो कुछ ऑनलाइन, कुछ भद्रवाह से कॉल आई थी, मुंबई से भी हमको ऑडिशन आए हैं ऑनलाइन, लुधियाना पंजाब से भी आए हैं, तो काफी सारा ये कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल पे जाने वाला है, तो हमारी कोशिश है। सर कल का ऑडिशन कहाँ जाने वाला है? कल का ऑडिशन है ओम पैलेस में, जो कि एजी ऑफिस के बैक साइड है, शक्ति नगर। टाइमिंग 12 बजे से लेके 5 बजे तक की है, तो कल ये लास्ट ऑडिशन है, उसके बाद सीधा फिनाले है 31st। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुन ही लिया सभी ने कि इनका जो ऑडिशन है वो कल लास्ट डेट है, ये पहले भी ऑडिशन ले रहे थे बट किसी वजह से इनको पोस्टपोन करना पड़ा था। इनका जो फाइनल प्रोग्राम रहेगा वो 31st ऑफ जनवरी को रहेगा, तो अगर किसी के घर में भी कोई बच्चा है जिसके अंदर टैलेंट है वो जरूर अपना टैलेंट बाहर निकाले और वाइट इन स्टूडियो के थ्रू अमित जी को जरूर कॉन्टेक्ट करें, ताकि अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आए, अपना भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता का भी और अपने देश का भी नाम रोशन करें। तो इसी के साथ साथ नए अपडेट के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दे दिए इजाजत।